हलचल टीवी न्यूज। मोगा के नज़दीक पिंड मोहरे रहने वाला 47 साल का नौजवान जो कि बचपन तो ही पोलियो का शिकार है ने जिंदगी च कदे हार नहीं मनी। 12वीं पास करने तो बाद जदों उसने सोशल मीडिया से अपने वर्गे नौजवानों नू व्हीलचेयर से बैठ के क्रिकेट खेलते देखा तो उसके मन च इच्छा जागी कि उसने व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसीएशन के प्रधान वीर संधु नाल संपर्क किया अते चंडीगढ़ पहुंच गया जिथे क्रिकेट खेलने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ महीने की मेहनत बाद साल 2019 च उसने पहला मैच खेडिया जिस च भारत की टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम नू हराया। उसने इस मैच च 49 दौड़ा बना के मेन ऑफ द मैच का सेरा अपने सिर बनिया। सर स्टार्टिंग मैं बचपन पोलियो हो गया सीगा। बचपन पोलियो होने करके दूजा मैं लत्तां दा पाज हो गया सीगा। उस तो बाद मैंने पढ़ाई की प्लस टू की पढ़ाई करने बाद मेरे कंप्यूटर कोर्स किया रैड क्रॉस तो फादर साहब मेरे बाहर फॉरन के गए थे बहरीन कंट्री के काम लिए जिते जाकर उन्होंने कोई मान लो कोई हादसा वापर गया जिते उन्होंने अज 16 साल हो गए जेल के बंद ने कोई कतल केस नहीं अच्छ कतल केस पै गया सीगा। तो घर की गरीबी होने करके फिर कोई और कोई रोजगार का साधन है नहीं सीगा किदा इधर फटले उधर फटले फिर मैं फर्नीचर पॉलिश का काम शुरू कर लिया मौके करता सदू बाद हौली हौली इदा फोन से यूज करते करते एक दिन मैं फेसबुक उपर व्हीलचेयर से क्रिकेट खेलते वेख्या तो मैं हौली हौली उसका कंटैक्ट लैके नंबर लैके तो मेरी मुड़के फेसबुक तो मैं वीर सिंह संधु जो मैं मिले पंजाब टीम के कैप्टन आना मेल होया उन्होंने मेल होने तो बाद उन्होंने मैंने एक ट्रायल लिए बुलाया रोपड़ मेरा ट्रायल होया तो रोपड़ जाके मैं ट्रायल दिता जो एक रात रहे उत्ते काफ़ी जाने कि उन्होंने दूजे दिन मेरा रिजल्ट आया तो मैं पंजाब टीम लिए सिलेक्ट हो गया। सर हूँ तक मैं पंजाब वालों मेरे ख्याल वीक मैच खेल चुका तो फस्ट मैच मेरा इतने आएगा लुधियाने आएगा यूनिवर्सिटी जिदे मेरे मतलब कैप्टन साहब ने मेरे से भरोसा जताया कि पंजाब टीम वालों मैं बैट्समैन वजह उतारा जिस मैं 50 रन मार के पंजाब टीम जीता है तो मैं मैन ऑफ द मैच मिला। हाँ जी सर इंटरनेशनल मैच इंटरनेशनल टीम बंगलादेश नेपाल इंडिया ट्राई सीरीज हुई कलकत्ते उत्थे मैं एज ए कीपर वजह मेरी सिलेक्शन हुई सी इंडिया टीम। सर घर का गुजारा तो इदा कि जिदा मतलब बचपन के उधर फादर साहब तो उधर फस गए थे बाहर विदेश के उदू बाद मेरी माता जी ने मेरे नाल दिता साथ माता जी के नाल असी दुध पा पा के गुजारा किया असी दो भरा जी दूजा मेरा भाई छोटा जी। नहीं सर अजे तक मेरे तक तो कोई नहीं आया कोई भी किसी चीज़ का भी नहीं हल होगा समस्या का किसी का नहीं हल होगा जो भी साढ़े मान लो वादे किए गए एज यानी कि मैं तो इंडिया का नाम भी रोशन होया वा इंडिया तक लैवल तक खेड के कोई सपोर्ट भी नहीं है किसी सरकार वालों ना कोई मोगा प्रशासन वालों ना होर किसी। हाँ जी सर बस बात की प्रॉब्लम आ रही है सर जिदा सू चीज़ सू सपोर्ट नहीं हो रही है मेन चक्कर सू हो रहा कि जिदा सू खेड वास्ते सू कोई ग्राउंड उपलब्ध किया जाए इतने मोगे के मोगे के कोई इदा की कोई सू सहूलत दी जाए जितने होर भी जो मतलब मेरे अर्गे अपंग बच्चे है वीर भैन भरा उन्होंने भी अगर लैके आ सके। सर मोगे जिले चाहिए दोवें एक मेरी पंजाब टीम के कैप्टन ने वीर सिंह संधु जी जे मोगा जिले के ने एक मैं बाकी ही उत्थे चंडीगढ़ 15 मुंडे रहते हैं। मंग सरकार वालों यही है कि जो भी साड़ी पंजाब व्हीलचेयर क्रिकेट है जो मान लो इंडिया व्हीलचेयर क्रिकेट है साड़ा साथ दिता जाए सू जे बंद के अनुसार सू जॉब दी जाए। नहीं सर दुध दूजा मैं घर पा लें घरों लिया जाते दुध। हाँ जी ये बचपन तो उन्होंने पोलियो हो गया 4.5 साल दिन उस तो बाद खेडना शुरू करता जी ये बच्चों चंगे चंगे खेडता सी जी उस तो बाद चल खेडता खेडता कहाँ ये अपना खेडना यदा वधिया लग्या सू हम वधिया खेडता साडा नाँ इन्हें रोशन किया सू बहुत वधिया लगता साढ़े घर वाले बहरीन च बहरीन चाहे उन्होंने भी कतल केस पै गया जेल च घर का गुजारा दुध पा के जी। थोड़े किन्ने बच्चे किन्ने दो बच्चे जी नहीं जी कुछ मदद नहीं हुई जी असं यही आने कि साडा बच्चा जिमें खेडता है इन शौक आ तो इनू कुछ ना कुछ सहूलत मिलनी चाहिए सरकार को।